होगा ये ऑडियंस के लिए हम बताना चाहेंगे, ताकि जो कल नहीं आ पाए हैं उनको ये पता चले कि कल जिन जिन टीमों के बीच में खेला गया था उसमें कौन कौन सा टीम जो है सेमीफाइनल के लिए अपना जगह क्वालिफाई किया है और उसका सफरनामा किया था। तो चलिए सबसे पहले इस बादोली जली जो क्लब हाथीगढ़ हिरनपुर पाकुड़ के इस 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आज सेकेंड आयोजन में आप तमाम दर्शक दीर्घाओं का तमाम ऑडियंसों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और खास करके कल ग्रुप ए से जो टोटल 8 टीम खेले, जिसमें से टोटल कल के दिन में जो मैच फॉर्मेशन था कल 6 मैच हुए, और उसमें से जो प्रथम मैच ग्रुप ए से ओपनिंग मैच जो खेला गया था एफसी सारजोम बगान वर्सेस हिहिड़ी पिपिड़ी क्लब सिवली डंगा सपारोम के बीच में इस मुकाबले को खेल के दरमियान ही एफसी सारजोम बगान की टीम ने 1 गोल से हिहिड़ी पिपिड़ी क्लब सिवली डंगा सपारोम को शिकस्त करके क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया था। कल के दिन में जो सेकेंड मैच खेला गया ग्रुप ए से बीएसके कॉलेज बरहरवा वर्सेस एफसी सोरेन स्टार बदखुटू महेशपुर के बीच में इस मुकाबले को कहीं ना कहीं बीएसके कॉलेज बरहरवा ने एफसी सोरेन स्टार बदखुटू महेशपुर जैसे मजबूत टीम को 2-1 से शिकस्त करके क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया। अगर हम इन दोनों टीम के बारे में बात करें तो ये पिछले 2022 के साल में ये दोनों टीम्स फाइनलिस्ट थे और उसमें बीएसके कॉलेज बरहरवा की जो टीम थी वो डिफेंडिंग चैंपियन टीम बनी थी। और कल के दिन में जो थर्ड मैच जो खेला गया था जुग मरसाल माधोपड़ा राजमहल वर्सेस प्रीसा एंजल दुमका के बीच में, और इस मुकाबले को ट्राइब्रेकर के माध्यम से प्रीसा एंजल दुमका ने जीत करके क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया। कल के दिन में जो फोर्थ मैच खेला गया चाहे चंपागढ़ रांची वर्सेस एफसी नयाग्राम साहेबगंज के बीच में, इस मुकाबले को एफसी नयाग्राम साहेबगंज की टीम कहीं ना कहीं ट्राइब्रेकर से कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से बाहर हुए और उस मुकाबले को चाहे चंपागढ़ रांची टीम ने जीत लिया था। और सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल का जो विवरण होगा वो हमारे राजेंद्र सर जी आपके सामने यहाँ पर उनका जो अपडेट है वो देंगे आपके लिए। जी बिल्कुल, जो कल पहला सेमीफाइनल होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा, और उससे पहले जो आज मैच खेला जाएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का पहला मैच एफसी परगना टोला वर्सेस महाकाल एफसी बुधवार राजमहल के बीच में, उससे कहीं बेहतर जो आज मैच होने वाला है वो होगा एमएफसी मोहम्मदपुर गाजीपुर यूपी वर्सेस एफसी घागरजनी के बीच में। इस मैच का काफी ज्यादा चर्चा है, ये दूसरा मैच होगा और तीसरा मैच जो आज के दिन का ग्रुप बी से फर्स्ट राउंड का भी ये तीसरा मैच होगा वो होगा हंसदा ब्रदर्स दुमका वर्सेस एपी फ्रेंड्स दुर्गापुर के बीच में। अंतिम मैच एफसी अयोध्या 3 पहाड़ वर्सेस एसएससी मुकुंडा रामगढ़ के बीच में। तो कल जो पहला सेमीफाइनल मैच होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। बीएसके कॉलेज बरहरवा ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए और उसका भिड़ंत होगा पहला सेमीफाइनल में एफसी प्रीसा एंजल दुमका के साथ, यानी पहला सेमीफाइनल मैच बीएसके कॉलेज बरहरवा वर्सेस प्रीसा एंजल दुमका के बीच में। और आज जो 4 मैच फर्स्ट राउंड का खेला जाएगा उसमें से कौन कौन सी टीम ये क्वालिफाई करेगी ये अभी से कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कल इसी तरह से देखा गया था सुशील, तो आज से मजा कल और आएगा। 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल और 1 लड़कियों का आकर्षण मैच आप देख पाएंगे। और ये बिल्कुल, और खास करके कल और आज जिस प्रकार से यहाँ पर राजेंद्र सर ने कहा कि कल की अपेक्षा आज भी टीम बहुत ही अच्छी अच्छी आई है, और निश्चित रूप से कल जो मैच होगा कल टोटल 4 मैच खेले जाएंगे जिसमें से 1 गर्ल्स का रहेगा साहेबगंज और पाकुड़ से, इसमें 2 गर्ल्स टीम पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और हम चाहेंगे कि फाइनल के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर जुटे इस मुकाबले को देखने के लिए, इस टूर्नामेंट में शरीक हो। और ये आयोजन जो है खास करके हर एक साल यहाँ पर विश्वकर्मा के शुभ अवसर पर ये आयोजन की जा रही है और उसका कल समापन दिन होगा, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टूर्नामेंट में कल आप शरीक होने का प्रयास करें। और ये जो 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है ताकि ये सुचारू ढंग से संपन्न हो सके और सफल हो सके।
और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं रिंकू सर, इनको भी हम चाहेंगे कि ये भी अपना बात रखेंगे। और परगाना टोला के जो टीम के मैनेजर हैं, अभी तक अपने प्लेयर्सों को आप ऑफिशियल मंच के सामने नहीं लाए हैं, मैं चाहूंगा आप जल्द से जल्द अपने प्लेयर्स को रेडी करके ऑफिशियल मंच के सामने लाने का प्रयास करेंगे। परगाना टोला, हेलो, और बहुत बहुत धन्यवाद सुशील, राजेंद्र और हमारे साथ मंच पर बैठे हैं यहाँ पर मार्शल बाबू। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बादली जली जो क्लब हाथीगढ़ के तमाम कमेटीगण, ऑर्गेनाइज और जितने भी फील्ड में वर्किंग करते हुए नजर आ रहे सभी को, साथ ही साथ हमारे रेफरी मंडली को और जितने यूट्यूबर चैनल के लोग यहाँ पहुंचे हैं, सभी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूबर के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों तक हर मैच का गतिविधि पहुंच रहे हैं। तो जैसे कि कल हमने देखा था राजेंद्र की इस मैदान पर बीएसके कॉलेज सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, और एक तरफ से यहाँ दुमका, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के एक जाने माने टीम में से जाने जाते हैं बीएसके की टीम, और काफी लोगों को उम्मीद था कि बीएसके कम से कम अपना जो रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखे, और फिलहाल ये दर्शक उनके सपोर्टर का ध्यान रखते हुए उस रिकॉर्ड को फिलहाल वो बरकरार रखे, तो देखना होगा कि फाइनल के दिन क्या ये पुनः एक बार इस ग्राउंड से चैंपियन बन के जाएगा। राजेंद्र, ये कहना काफी मुश्किल होगा, कुछ भी अनुमान मत लगाइए, जब जब मैच खेला जाएगा उसके दरमियान, कल एक टाई ब्रेकर हो रहा था तो उसमें 11-11 खिलाड़ी शॉट लगाए, यानी पूरा हो गया था, उसके बाद भी नतीजा नहीं आया था, तो आप नहीं बोल सकते, टीम मजबूत है और हर टीम वो अपने जीत के इरादे से वो उतरते हैं ग्राउंड में, तो आज भी बहुत मजा आएगा सभी ऑडियंस। और बिल्कुल सही बात है राजेंद्र,